सो इतना सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ना फिर से खेल हुआ है। 23 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा है। ये बातें तो खैर आप टीवी चैनलों पर और अखबारों में पढ़ और देख ही रहे होंगे, इसलिए मुद्दा थोड़ा सा आज अलग खींचते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे बीजेपी की उन 6 गलतियों की जिन्होंने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं जनता शो। बीजेपी की पहली गलती रही एनसीपी को यूज करके छोड़ देना। बीजेपी से पहली गलती वहीं हो गई जब विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस भेजा गया। इस मामले में उस वक्त देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आए और कहा कि राज्य सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है और राज्य सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। लेकिन सरकारी संस्थाओं में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का कितना दखल होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। शरद पवार की एनसीपी ऐसी पार्टी थी जो महाराष्ट्र में बफर की तरह काम कर रही थी। जब शिवसेना का दबाव होता था बीजेपी पे तो एनसीपी बीजेपी की मदद के लिए आगे आ जाती थी। 2014 की बात करूं तो जब बीजेपी के लिए बहुमत साबित करने की बारी थी तो एनसीपी ने उन्हें बाहर से समर्थन दे दिया था। विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी को बीजेपी ने बिल्कुल भाव नहीं दिया, बस जम के कर आया। जहां मौका मिला उन्हें खूब सुनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब शिवसेना ने साथ छोड़ा तो कोई भी बीजेपी के साथ नहीं था। दूसरी गलती, अजीत पवार पे भरोसा करना। बीजेपी ने अजीत पवार के रूप में एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसको पूरे 5 साल तक करप्ट आदमी बताती रही। उसके खिलाफ जांच शुरू करके पूरी दुनिया को यह बताने में कोई कोरों को सर बाकी नहीं छोड़ी कि अजीत पवार से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। लेकिन जब फडणवीस सरकार अल्पमत में आई तो उन्होंने अजीत पवार की एक ऐसी चिट्ठी पर भरोसा कर लिया जो एक तरीके से चोरी करके लाई गई थी। बीजेपी ये पता करने में पूरी तरीके से नाकाम रही कि अजीत पवार के पास कितने विधायक होंगे। बीजेपी ने सिर्फ अजीत पवार की बात पर भरोसा कर लिया। अजीत पवार जितने विधायकों को लाने का दावा कर रहे हैं उन्हें अगर ना ला पाए तो उस स्थिति में बीजेपी क्या करेगी, इसको लेकर भी बीजेपी ने कोई तैयारी नहीं की थी। अब इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना भी पड़ा। तीसरी गलती, पवार परिवार को समझने में गलती कर दी। बीजेपी ने तुक्का लगाया था कि सत्ता में आने की कोशिश में परिवार जो है पवार साहब का वो बिखर जाएगा। लेकिन बीजेपी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि परिवार के लोगों में एक इमोशन जुड़ी होती है। अगर घर का कोई मेंबर अपने घर परिवार को छोड़ता है तो ये उस मेंबर के दिमाग पर मानसिक दबाव डालता है। वो बंदा जो घर छोड़ के गया है वो टेंशन में रहता है। अब अजीत पवार को समझाना उसके परिवार के लोगों के लिए इसलिए भी थोड़ा आसान था क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद अजीत पवार को एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन में भी मिल रहा था और बीजेपी के साथ जाने पे भी उन्हें उप मुख्यमंत्री ही बनाया जा रहा था। अब सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद के लिए परिवार से भी अलग जाएं, पार्टी भी तोड़ें, अजीत पवार के लिए ये कोई लाभ का सौदा तो था नहीं। शायद यही वजह रही कि परिवार के लोग उन्हें समझाने में कामयाब हो गए और बीजेपी उनके बगैर अकेली पड़ गई। चौथी गलती, शरद पवार को कम आंकना। विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पलटवार किया उसके बाद बीजेपी को कम से कम 15 से 20 सीटों का नुकसान हुआ। इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र और खासकर मराठा राजनीति में शरद पवार का कोई तोड़ नहीं है। ये बात शरद पवार ने एक बार फिर से साबित भी कर दी, लेकिन बीजेपी इसको समझने में गच्चा खा गई। शरद पवार से बीजेपी का और पीएम मोदी का लंबा नाता रहा है। मोदी खुद मान चुके हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बीच बीच में फोन पर शरद पवार से फोन पर बात करते थे और प्रशासनिक और राजनीतिक मसलों पर उनसे सलाह लेते थे। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा चमकता दमकता चेहरा माना जाता है। 1978 में अपने राजनीतिक गुरु वसंत दादा पाटिल से बगावत करके कांग्रेस से अलग हुए और फिर मुख्यमंत्री भी बने। उस समय वो केवल 37 साल के थे। उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में वो ध्रुव की तरह स्थापित हो गए। कभी कांग्रेस में आए कभी गए, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। इसी विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 80 साल की उम्र में भी शरद पवार ने अपना जुझारूपन दिखाया। चुनाव के दौरान बारिश में खड़े होकर उनके भाषण देने की एक तस्वीर ने पूरे चुनाव का रुख बदल कर रख दिया। पर बीजेपी पवार को कम करके नापी और बस यही उनके लिए भारी पड़ गया। पांचवी गलती,
बीजेपी पेशेंस नहीं रख सकी। राज्य में सरकार बनाने के मामले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को शामिल करना बीजेपी की बड़ी भूल थी। अगर ये काम सामान्य तरीके से होता, माने पहले कैबिनेट की बैठक होती, फिर उसमें राष्ट्रपति शासन वापस लेने का फैसला होता और फिर कहीं जाके शपथ ग्रहण समारोह होता, तो शायद पार्टी की उतनी बदनामी ना होती जितनी अब हुई है। फिलहाल सारे देश में यही बातें हो रही हैं कि आखिर बीजेपी को ऐसी क्या जल्दी थी कि सारे काम आधी रात को हुए। प्रधानमंत्री को इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करना पड़ा और ये फैसला लिया गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि पार्टी की कोई तैयारी ही नहीं थी और सरकार अभी भी अल्पमत में है। अब छठवीं गलती की बात करते हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी को एक होने का मौका बीजेपी ने दिया, ये बीजेपी की छठवीं गलती थी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी, बीजेपी ने इन तीनों पार्टियों को भरपूर मौका दिया कि वो अपने आपसी मतभेद को भुलाकर साथ आएं और उनसे लड़ें। अब इन पार्टियों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा था कि वो अपने सारे मतभेद को भुला दें और एक हो जाएं। बीजेपी को अगर गठबंधन एनसीपी के साथ करना ही था तो अजीत पवार के साथ बातचीत ना करके अगर वो शरद पवार के साथ सीधे बातचीत करते तो हो सकता है कि सरकार की इतनी थूथू ना होती और सरकार का ये गठबंधन एनसीपी के साथ लंबा चलता। शिवसेना को भी उनकी जगह ऐसा करके दिखाई जा सकती थी, उसके वजूद को ख़त्म किया जा सकता था, पर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। अब इन्हीं छह गलतियों की वजह से बीजेपी की अब इतनी भारी जग हसाई हो रही है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे तो मोंटू और मेरा नाम है माना। वीडियो आपने देखे इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।